बीजेपी की तरफ से मंत्री बनने जा रहे हैं आज नितिन नवीन, बांकीपुर से विधायक है और लंबे वक्त से आप मंत्री बनेंगे इसके कयास लगाए जा रहे थे। आज सभी पर जो है वो सारे पर्दा उठ चुके हैं और रिवील हो चुका है कि आज आप मंत्री बनने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बधाई, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा जो 15 वर्षों का काम रहा है, मेरे पिताजी के आशीर्वाद से और माता के आशीर्वाद से और पिताजी के ही संघर्ष के बुनियाद पर मैंने काम शुरू किया था और आज मैंने 15 वर्षों में उनके उस बुनियाद को और बड़ा करने का प्रयास किया। उस इमारत को जहां विकास की चिंता उन्होंने की थी उसको और बढ़ाने का काम किया। पार्टी के नेताओं का जो भरोसा विश्वास रहा है मुझ पर, उस भरोसा विश्वास पर खड़े उतरने का संकल्प है। साथ ही साथ मेरे क्षेत्र के जनता का जो प्यार और कार्यकर्ताओं का जो स्नेह मिला है, ये सब मेरे संकल्प का विषय रहेगा और इन्हीं सब संकल्पों के साथ बिहार के विकास के जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है, उस सपने को साकार करने में हर गली, हर मोहल्ले, हर पंचायत तक कैसे विकास की योजनाएं पहुंचे, समाज के हर वर्ग तक कैसे विकास की योजना पहुंचे, इसको पूरी तरह से अपने जो भी जिम्मेवारी भूमिका मिलेगी उसको पूरा करूंगा। नितिन जी, आप कायस्थ समाज से आते हैं और मुझे लगता है इस बार मंत्रिमंडल में आप पहले मंत्री होंगे जो इस जाति के होंगे, तो क्या जाति एक बड़ी भूमिका रही, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि 15 वर्षों में मैंने पार्टी में काम किया, मुझे लगता है कि मेरे काम और लगातार जो संगठन के दायित्व हों या विधायक के रूप में, वो प्रमुखता रही है। निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसमें मैं जिस समाज और कुल में जन्म लिया हूँ उसके नाते हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पहला जो प्राथमिकता होता है काम, और जो हम लोगों ने कार्य पद्धति के साथ जो पार्टी के विचारों के साथ काम किया और निश्चित रूप से बिहार के विकास में जो हम लोग का एक विधायक के रूप में भूमिका रहा, उन सभी चीज़ों को देखकर किसी एक आधार पर किसी की चयन नहीं होता है। और मेरा मानना है पार्टी तो कम से कम बीजेपी में ऐसा है कि कई दृष्टिकोण से चीज़ों को देखा जाता है और मुझे लगता है कि अगर मैं उन दृष्टिकोणों में पार्टी के भरोसे और विश्वास पर कायम हो रहा हूँ तो मुझे इसके लिए और चुनौती मैं मानता हूँ और पार्टी के भरोसे विश्वास को और चुनौती के रूप में और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। आज आप शपथ लेंगे, एक आखिरी सवाल है ये, क्या प्राथमिकता आप देंगे, किन किन क्षेत्र में विकास हो, किन क्षेत्र में प्राथमिकता आप देने की कोशिश करें? मेरा एक मानना है कि बिहार के जो बेसिक चीजें थी, चाहे वो शुद्ध पानी पहुंचाना हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, बिजली, ये इसके फर्स्ट फेज हम लोग पार किए हैं और मेरा मानना है कि फर्स्ट फेज में भी कुछ इलाकों में अभी भी शुद्ध पानी की समस्या है, तो निश्चित रूप से फर्स्ट फेज के बाद जो सेकेंड फेज हमको लगता है शिक्षा और रोजगार, तो निश्चित रूप से बिहार के शिक्षा में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेज हुए, अब कुछ क्वालिटी चेंजेज की बारी है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी उस ओर लगातार लगे हुए हैं, तो जहां बिहार के गांवों का विकास, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, वहीं अब बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर क्वालिटी के साथ करने का संकल्प है हम लोग का। कौन सा विभाग मिले इसकी उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, ये तो पार्टी का नेतृत्व तय कर, नहीं, मुझे ये उम्मीद है कि पार्टी जो जवाबदेही देगी उसको बेहतर तरीके से करूंगा और जो भी विभाग मिलेगी, जो भी पार्टी को मिलेगा उसको पूरी तरह से निभाऊंगा और हर विभाग में काम करने के स्कोप है और मुझे लगता है चूंकि मैं विधायक रहा हूँ 15 साल, मुझे ये पूरा अनुभव है कि हर क्षेत्र में अगर आप काम करना चाहिएगा तो हर विभाग में इतनी योजनाएं हैं जो आप, जिससे कि बिहार के विकास का, बिहार के लोगों का भला कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये नितिन नवीन है और किसी भी क्षेत्र में विकास के स्कोप है इनका कहना है और 15 साल से लगातार विधायक है और उम्मीद यही है कि पार्टी के साथ साथ पूरे बिहार का विकास हो, इसको लेकर के ध्यान देंगे। फिलहाल मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। नितिन नवीन भी 12:30 बजे राजभवन पहुंचेंगे और पहली बार मंत्री बनेंगे। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ इदिश्री, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।